लेटे रखो ना। चलिए विलंब से आए विश्व फुटबॉल के लोहार को मैं फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा इस सेकेंड राउंड का पहले दफा मैच में। जानकारी के लिए बता दो, ये जो मैच चल रही है सेकेंड राउंड का पहला मैच मैदान के ठीक प्रवेश पर जो ठीक प्रवेश की ये टीम है रेड हिल राजदोहा टीम के खिलाड़ी। जैसे कलर की अगर बात करें तो एसके ब्लू टीम पर ये टीम झलकती हुई नजर आ रहे हैं। अपनी टीम मैदान के ठीक पश्चिमी छोर पर जो टीम प्रवेश की है ये टीम है एआरएस धोबनी। जैसे वो 18 में है मक्कू हासदा, एक स्किलफुल खिलाड़ी मक्कू। दर्शिंग बैसर जिसमें 6 पर है, बनोहार भोद्रा जिसमें 10 पर है, सूरज लोहार नाम ही काफ़ी है, सूरज लोहार। सोसोनर में एक लोहार जरूर मौजूदगी में है। एआरएस धोबनी टीम में आज इनको भी शामिल किया गया है जिसमें 3 पर अपनी भूमिका को निभाएंगे मगर आज इनको विश्राम दिया गया है। मंजीत हासदा जिसमें 11 में और सुरेंद्र हासदा जिसमें 17 में है। टीम की अगर बात करें तो डोमन मुर्मू है टीम के मैनेजर, डोमन मुर्मू अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर लाई है। अपनी टीम की अगर बात किया जाए रेड हिल राजदोहा गुलराम सोरेन जैसे वह 1 पर नजर आ रहे हैं, अच्छी गोलकीपिंग करते हैं, कई बड़े बड़े टूर्नामेंट में बेस्ट गोलकीपिंग का भी अवार्ड जीते हैं। सुमाय जैसे में 4 पर है, राम सोरेन जैसे 2 पर, विश्वनाथ भैमरव जैसे 15 पर, चेतन हासदा जैसे 11 पर, भीम हासदा जैसे 10 पर है, ये स्टाइलिश प्लेयर के तौर पर जाना जाता है भीम हासदा। सहिल टुडू जिसमें 12 पर है, गणेश टुडू जिसमें 9 पर, पिछले राउंड में गोल भी किए हैं। राशन बाटी जिसमें 7 में है, टीम के कप्तान हैं, पिछले राउंड में 2 गोल किए हैं। दीपक सरदार जिसमें 13 में, मनोहर पुनः यहाँ पर अच्छी तालमेल, अच्छी कॉम्बिनेशन, अच्छी कुरिश पास छीनने में सफल। पुनः इस बार काफी तेजी गति के साथ 3 नंबर के खिलाड़ी आते दौर से है, एक नई जोश, नई जुनून, नई ऊर्जा दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं एआरएस धोबनी टीम के खिलाड़ी और थोड़ा सा रेड हिल राजदोहा ये टीम दबाव महसूस कर रही है, हैरान है, परेशान है। इस बार राजदोहा मनोहर 14 नंबर खिलाड़ी, ये जगदीश उराव एक अनुभवी खिलाड़ी, राजा के अच्छी पास, वाल पास ना त्रिभुज के तरीके से पास देखने को मिल रही है एआरएस धोबनी। दो नंबर के खिलाड़ी
मौका ढूंढने का प्रयास इस बार। हाँ, वर्तमान समय में गोल नहीं आई। करीबी मामला यहाँ पे सिक्स यार्ड बॉक्स के जगह में ये खतरा पड़ रही थी रेड हिल राजदोहा के लिए। हालांकि आज शुरुआती दौर से ही जिस प्रकार से बोनी हुई है, जब कहा जाता है कि दुकान में अगर सुबह ग्राहक आते हैं अगर बोनी से ही कर लेते हैं तो दिन भी अच्छी रहती है, मगर इस टूर्नामेंट में भी वही नतीजा आई है, बोनी से ही हुआ है। इसलिए प्रत्येक मैच में गोल देखने को मिला है, प्रत्येक मैच यानी कि फर्स्ट उनका लास्ट मैच में सिर्फ एक मैच में ही हमें गोल देखने को नहीं मिला है। विवेक स्पोर्टिंग वर्सेस जेके मलवाड़ी के बीच में जो मुकाबला हुई और बराबरी पर मैच छूटा और आखिरकार ट्रेवेकर के माध्यम से जेके मलवाड़ी ने अपने आप को विजयी घोषित किए हैं। जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी शुक्रिया सौंपना चाहूँगा जेके मलवाड़ी के सभी खिलाड़ियों को। तो चलिए चर्चा पर हम चर्चा करना चाहेंगे पुनः। हम मेरे साथ गणेश जी भी थोड़ा सा ब्रेक लिए, जरूर टी टाइम लिए, इसके बाद फिर से हमारे इस कमेंट्री बूथ पर पहुंचा है। मैं उसको भी थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा इस मैच के जरिए, क्योंकि सेकेंड राउंड तो पहले दफा मुकाबला एक कांटे की टक्कर मुकाबला दिलचस्प टूर्नामेंट में, कि इस मैच में गोल जरूर होना चाहिए। सभी के मन में एक सवाल पनप रही है, मगर क्या इस सेकेंड राउंड का पहले मैच में स्कोर होगी या नहीं। मगर मैच काफ़ी दिलचस्प रही है, कांटे के लिए मुकाबला चल रही है दो बड़े दल के बीच में। क्या यहाँ पे स्कोर आएगी या नहीं, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी, आप क्या कहना चाहेंगे गणेश? वेलकम। मैच हारना और जीतना तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं, और वैसे भी जब चक्र आगे बढ़ता जाता है तो हर टीम की रणनीति जो है वो बदलती जाती है, क्योंकि सभी टीमें टाइशीट के मुताबिक अपने प्रतिद्वंदी टीम पर नज़र भी रखती हैं। तो उसके हिसाब से कहा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा दोनों दलों को। हालांकि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यहाँ पर रेड हिल राजदोहा टीम, क्योंकि प्रथम चक्र के मैच में 3 स्कोर से मैच को जीता है, और वहीं ARS धोबनी की अगर बात करें तो 1 गोल से उन्होंने मैच को जीता था। तो थोड़ा सा पल्ला यहाँ पर जरूर भारी है रेड हिल राजदोहा की, मगर काफ़ी सारे बेहतरीन खिलाड़ियों की समावेश भी है दोनों ही दलों में। यहाँ पर दो मन जसिल में 5 बाएं पैर से साथी खिलाड़ी को गेंद डालना चाह रहे थे, सही रूप से कनेक्ट नहीं हुई, वापस फिर से दो बनी जसिल पर 3 मौका बन सकता है यहाँ पर, अच्छी तालमेल जल्दी से वहाँ पर साथी खिलाड़ी के मनोहर दूर से प्रयास, मगर समझ चुके थे यहाँ पर गोल रक्षक छलांग लगाकर गेंद को रोकने में सफल हुए। हालांकि सही है दूसरे दल के कप्तान से भी आग्रह कि आप भी धीरे धीरे अपने टीम को हमारे टेक्निकल जोन पर पहुंचाने का कष्ट करेंगे। दूर से प्रयास, बात यहां पर बन सकती थी मगर सफल नहीं हो पाए, अमन कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। चलिए कॉर्नर मिली है, आज 2024 के टूर्नामेंट का पहला जमीनी गोल जो है स्कोर देखने को नहीं मिली है, चाहे वो अमन की ओर से हो, रायसन की ओर से हो या फिर गणेश की ओर से हो, स्कोर देखने को नहीं मिली है। थोड़ी सी दबाव बनाने में सफल हो रही है ARS धोबनी की टीम, और यहाँ पर चोटिल महसूस करते हुए रेड हिल राजदोहा के खिलाड़ी प्रसारण करने की प्रयास कर रहे हैं।
और जितने भी यूट्यूबर साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं सबों का KSMM झरिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप सबों के द्वारा ही किसी भी टूर्नामेंट की गतिविधि को जन जन तक पहुँचाने का काम आप लोग करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो भी हमारे साथी हैं यूट्यूबर साथी, उन सबों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनका चैनल आगे बढ़े, उनको सफलता मिले। प्रथम चक्र के सभी मैचों में स्कोर देखने को मिला, सिवाय एक मैच के जो कि विवेक स्पोर्टिंग और जेके मिलवाड़ी के बीच खेली गई 0-0 के मुकाबले बराबरी पर मैच छूटी थी, और ट्राईब्रेकर के माध्यम से जेके मिलवाड़ी टीम को जीत दर्ज हुई है। कड़ी धूप जो है खिलाड़ियों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बनती हुई, मगर अब फुटबॉल का सीजन आ चुका है, तो ऐसे में हर खिलाड़ी साल भर का जो उनका रियाज था, अभ्यास था, उनको दर्शाने का मौका उन्हें मिल चुका है। और यहां पर रायसन